गुड मॉर्निंग क्लास. इन प्रीवियस क्लास वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2 दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज. सो टेक आउट योर बुक एंड कम ऑन पेज नंबर 13. एंड हियर इज योर पेज नंबर 13. सो इन दिस चैप्टर वी हैड कंप्लीटेड हाफ पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. And the points are land resources, land use, commercial property use, change in land use, soil resources, soil formation, soil profile. इन सभी के बारे में हमने देखा था. साथ ही साथ land और soil degradation भी हमने पढ़ा था. तो उनके क्या क्या कारण हैं ये भी हमने पढ़ा था. ठीक है, तो अभी आज की क्लास हम क्या करेंगे, जो आगे के पॉइंट्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो क्या है, वाटर रिसोर्सेज. क्या है, वाटर रिसोर्सेज, जो जल स्रोत है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. तो बिना पानी के अर्थ पे कोई भी जीवन नहीं है, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ये क्या है, ये एक स्रोत है और एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है जीवन का. ठीक है, इसी के कारण क्या है, हमारा अर्थ एक यूनिक प्लैनेट, अद्भुत ग्रह कहलाता है. ठीक है, जो सबसे अलग है हर ग्रहों से. ह्यूमन एक्टिविटीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हैं, जो भी हमारी जो कार्यशैली है या कार्य जो हैं वो, या आर्थिक विकास जो भी है, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, पानी पे करते हैं. ठीक है, अब इसके बाद से हम देखेंगे कि वाटर किस फॉर्म में, किस तरीके से उपलब्ध है पूरे ग्लोब पे. ठीक है, तो वही बताया जा रहा है, ग्लोबल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. तो 97% ऑफ अर्थ वाटर इज सलाइन, मतलब अर्थ पे 75% जो है वो क्या है, आपका क्या है, वाटर है. तो उसमें से 97% अर्थ का जो पानी है, मान लीजिए 100% पानी है अर्थ पे, तो 97% कैसा है, सलाइन, मतलब सॉल्टी है. कैसा है, सॉल्टी है, नमकीन है. जिस जो खारा पानी होता है जो कि ओशन में पाया जाता है, ठीक है, समुद्र में पाया जाता है. 2% जो पानी होता है उसका टोटल अमाउंट का 2% पानी जो है वो फ्रोजन फ्रेश वाटर, मतलब बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ फ्रेश वाटर होता है. दिस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पोल, अब किस फॉर्म में वो रहते हैं, तो वो आइस कैप के फॉर्म में होते हैं, और जो पहाड़ होते हैं उसके ऊपर स्नो के फॉर्म में होते हैं. हैंस ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज, इसलिए सिर्फ 1% जो है फ्रेश वाटर हमारे यूज के लिए अवेलेबल होता है. दिस सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग आवर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें जो है कितना पानी, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उसको बचाना भी हमारे लिए कितना जरूरी है. देखिए 97% कैसा है, सॉल्टी है. 2% कैसा है, फ्रोजन फॉर्म में है. तो बचा कितना, 100 में से 1% बचाना जो कि फ्रेश वाटर है. ठीक है, नेक्स्ट है वाटर साइकिल. वाटर साइकिल, किस तरीके से वाटर जमीन पे आता है या कैसे कैसे उसका साइकिल चलता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है. तो रेन जो है, जो बारिश हो, सबसे प्राथमिक स्रोत होता है फ्रेश वाटर का. ठीक है, रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर जो है वो सेकेंडरी सोर्स होते हैं वाटर के. सलाइन वाटर ओशन का जो होता है और सी का, वो इवेपोरेट होता है, मतलब गर्म होता है और भाप के फॉर्म में कहाँ चल जाता है, ऊपर जाता है और क्लाउड का निर्माण करता है, बादल का निर्माण करता है. ठीक है, ऑन कूलिंग एंड कंडेंसिंग, मतलब कंडेंस होने, ठंडा होने के बाद से ये बादल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्रॉप्स के फॉर्म में उसमें से वाटर निकलने लगता है, जिसको हम रेन कहते हैं. रेन कहते हैं, हेल कहते हैं, स्नो कहते हैं. ठीक है, यही नेचुरल प्रोसेस जो है ब्रिंग टू अस फ्रेश वाटर, इसी नेचुरल प्रोसेस के वजह से हमें फ्रेश पानी मिलता है जो हमारे द्वारा यूज किया जाता है. ठीक है, वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. वाटर साइकिल में कंटिन्यूअस ये साइकिल चलती रहती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में. क्या होता है, इवेपोरेट होता है, कंडेंस होता है, फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है. सबसे पहले क्या होता है, इवेपोरेट, फिर क्या होता है, कंडेंसिंग होती है. ठीक है, सॉरी, प्रेसिपिटेशन होता है. ठीक है, कंडेंसिंग होके क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है. तो ये फॉर्मेट पूरे टाइम ये साइकिल चलती रहती है.
जो मेन प्रोसेस होता है साइकिल में इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, अभी बताया, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ, मतलब जो पानी बह के जा रहा है। अब ये चीज आपको यहाँ डायग्राम में शो की गई है, ठीक है, किस तरीके से प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है और किस तरीके से कंडेंस होके पानी नीचे आ रहा है। ये चीज आप साइंस में भी स्टडी किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। अब फ्रेश वाटर 1% है, तो फ्रेश वाटर का रिसोर्स स्रोत क्या है भारत में, तो नेचर के हैज एविडेंटली ब्लेस्ड इंडिया विथ रिच वाटर। जो प्रकृति है वो अपना पूरा उपकार बनाई हुई है भारत पे, क्योंकि यहाँ पे पानी के स्रोत बहुत ज्यादा हैं। और कुछ टाइप के रिवर्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं, तो देखिए पहला क्या है, पेरेनियल रिवर्स। क्या है? पेरेनियल रिवर्स। ये वो रिवर्स होते हैं जो पूरे साल कंटिन्यूस इसमें पानी उपस्थित रहता है, पानी फ्लो होता रहता है, ठीक है। और इस रिवर में कौन कौन से रिवर आएंगे, इंदस, रावी, बीस, चेनाब, झेलम, सतलज, गंगेस, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और कोसी, ठीक है। तो ये मेन इसके रिवर्स हैं, इनको आप याद कीजिएगा। और ये मेनली कहाँ से इनका ओरिजिनेशन होता है, मतलब उत्पत्ति कहाँ से पेरिनियल रिवर्स की होती है, तो कहाँ से होती है, हिमालयन ग्लेशियर से। कहाँ से होती है, हिमालयन ग्लेशियर से। अब पेरिनियल मतलब तो मतलब पूरे साल की बात की जा रही है, सीजनल मतलब क्या गया, पर्टिकुलर सीजन में ही इन नदियों में पानी होता है। दे आर रेन फेड एंड डू नॉट फ्लो ऑल द ईयर राउंड। ये पूरे साल आपको इसमें पानी नहीं दिखता है। ये मेनली कहाँ होते हैं, सेंट्रल पेनिनसुला इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें महानदी, इसमें मेन नदी क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, चंबल, बेटवा, सिंध और लूनी। ये कैसे रिवर्स हैं, सीजनल रिवर्स हैं। कैसे रिवर हैं, सीजनल। और यहाँ पे ये क्या है, पेरिनियल। पेरिनियल रिवर मतलब साल भर इसमें पानी भरा रहता है, पूरे टाइम जो वाटर है वो फ्लो होता रहता है, लेकिन सीजनल रिवर में पूरे टाइम वाटर फ्लो नहीं होता है, ठीक। कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी मतलब जो पानी की कमी हो रही है वो उसका कारण क्या है, तो देखिए कई कारण हैं। सबसे पहला तो क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेश वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रेश वाटर रिसोर्स जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पृथ्वी पे, वो बहुत ही अनइवन मतलब एक बराबर नहीं है। एशिया के हिस्से में 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, एशिया में कितने पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन एशिया में होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 36% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स है, मतलब टोटल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में से 36% ही वाटर रिसोर्स है, जबकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड लैटिन अमेरिका हैज 25% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब दूसरे साइड क्या है, अमेरिका में 25% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स है, जबकि वहां की पॉपुलेशन कितनी है, 6%। मतलब यहाँ पॉपुलेशन कम है लेकिन फ्रेश वाटर रिसोर्स अधिक है उसके कंपैरिजन में। और एशिया में क्या है, पॉपुलेशन जाते हैं लेकिन उसके कंपैरिजन में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ये पहला रीजन है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वाटर स्कार्सिटी का। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है, इसमें क्या होता है, इट रिफर टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब यहाँ जो वाटर बॉडीज हैं उनका गंदा होना, प्रदूषित होने ही क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। जैसे लेक, रिवर्स, एक्विफाइज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इट इज कॉज बाय। ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो सीवेज से पानी आते हैं, वाटर जो सीवेज से आते हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो पानी आते हैं, जो नाले में पानी बहते हैं और जाके मिल जाते हैं, इन सब के कारण ये पॉल्यूटेड होते हैं। बिसाइड हार्मिंग क्वालिटी ऑफ वाटर, इट लीड्स टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज एज हैज हैपन टू यमुना इन दिल्ली। बस ये पानी के क्वालिटी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि ये नदियों के पानी भी क्या हो जाते हैं, इसके कारण सूखने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, जैसे कि दिल्ली की यमुना नदी, ठीक है। और भी कई ऐसे रिवर्स हैं, ठीक है। एयर जो है जब वाटर के कॉन्टेक्ट में आती है तो एयर भी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, एयर ऑल्सो रिजल्ट इन वाटर पॉल्यूशन और कन्वर्सली, मतलब एयर पॉल्यूशन भी फिर होता है और वाटर पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। क्या है, अर्बनाइजेशन। जो भी शहर हैं,
ठीक है, वो क्या है, बहुत तेज गति से भारत में उनका निर्माण हो रहा है, वो फैल रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, यहाँ पे इनको अधिक पीने के पानी की आवश्यकता पड़ रही है, फिर सीवेज को भी अरेंज करना पड़ता है, जो नाले उनको उनकी आवश्यकता भी पड़ रही है, फिर वाटर फैसिलिटीज को साफ करने के लिए भी जरूरत पड़ती है, एज वेल एज मीटिंग द नीड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीज हैज पुट हैवी प्रेशर ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्स। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज का निर्माण हो रहा है, उनका कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। क्या है डिफॉरेस्टेशन? तो डिफॉरेस्टेशन में क्या है, इट रिफर्स टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, पेड़ों की कटाई। इसमें क्या होता है, मेनली जो फॉरेस्ट होते हैं उनके सारे पेड़ों को काटने की बात यहाँ बताई जा रही है, ताकि वहां पे जनसंख्या फैल सके, मतलब लोग अपने रहने के लिए उन एरिया को भी कट कर रहे हैं। जो ग्रीन लीव्स हैं ट्रीज की फॉरेस्ट में, वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, जिससे हमारा एयर क्या होता है, स्वच्छ होता है, साफ होता है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसके साथ साथ ये इवापोरेशन को भी, वाटर बॉडीज से जो इवापोरेशन होता है, जो वेपर फॉर्म में वाटर निकलता है, उसको भी रोकने का काम करती हैं। साथ ही साथ जो रूट्स होते हैं ट्रीज के, वो सॉइल से जुड़े होते हैं, जिससे क्या होता है, जो फॉरेस्ट के सॉइल हैं वो पेड़ के जड़ों से जुड़े होते हैं, इसके कारण वो हवा या पानी से आसानी से बह नहीं पाते हैं, तो वहाँ सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन। ये क्या है, वाटर पॉल्यूशन को बचाने का काम करते हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन क्या है, इस प्रोसेस को क्या कर रहा है, एकदम छिपा दे रहा है, दबा दे रहा है। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन में जब पेड़ की कटाई हो जाएगी, तो क्या ये सारे वर्क हो पाएंगे, ना कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब हो पाएगा, ना ऑक्सीजन उसमें सही से रिलीज हो पाएगा, साथ ही साथ जो सॉइल इरोजन की बात की जा रही है वो होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी की दिक्कत आती है। और लास्ट इसमें जो कॉज है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज। तो जो वर्ल्ड क्लाइमेट का जो पूरे संसार में जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, जो रेनफॉल का पैटर्न है, जो बारिश होने का पैटर्न है, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। इसी कारण क्या रहा है, वाटर शॉर्टेज कई एरियाज में हमको देखने को मिलता है, और एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन, अधिकता में जहां बारिश हो रही है वहां पे क्या आ जा रहा है, बाढ़ आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, बाढ़ आ जा रहा है। जहां पे कम हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, वाटर शॉर्टेज होने लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या था कि वाटर स्कार्सिटी के कॉजेस क्या थे। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब भारत में वाटर रिसोर्सेज के बारे में बता रहा है, द सरफेस रन ऑफ और वाटर डेट फ्लो इन स्ट्रीम्स एंड रिवर ऑफ इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड ग्लेशियर ऑन माउंटेन्स अलॉन्ग विथ रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर इज एक्चुअली मोर देन द करेंट यूज ऑफ वाटर बाई एटलीस्ट 40%। देखिए, जो बारिश का पानी हुआ या बर्फ जो गल रहे हैं, उनसे जो बारिश जो पानी बह के जाता है, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर में जाता है, वो सब क्या है, अभी अधिक है, जो हमारा वाटर का यूज है उससे 40% वो क्या है, अधिक है। येट देयर आर एक्यूट वाटर शॉर्टेज इन में, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, पानी की कमी कई एरियाज में है। क्यों? क्योंकि अनइक्वल एक्सेस वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री, क्योंकि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाटर रिसोर्सेज का पूरे देश में हुआ है उसके कारण। अब इसके एग्जांपल में देखिए क्या समझा रहा है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना जो बेसिन है वो लैंड एरिया को कवर करते हैं, 33% लैंड एरिया वो कवर करते हैं, ठीक है, और वहां पे 60% ऑफ इंडिया का वाटर रिसोर्स है। This means that 71% of India's water resources are available to only 36% of area. इसका मतलब ये हुआ कि 71% water resource जो है वो सिर्फ उन एरिया में है जहाँ पे सिर्फ 36%
पॉपुलेशन है, और 64% जो एरिया है, जो बड़ा एरिया है, वहाँ पे जो यूज करने लायक पानी है वो वाटर रिसोर्सेज है, वो सिर्फ 29% है। मतलब जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या है वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज कम है, और जहाँ पे अधिक जनसंख्या है वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज क्या है, कम है, और जहाँ पे कम जनसंख्या है वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज अधिक है। ठीक है, इट इज Why government India considering interlinking of most major river? इसी के कारण क्या हुआ, जो सरकार है वो कई बड़ी बड़ी नदियों को आपस में जोड़ना शुरू कर दी। और सेकेंडली, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विल बी फेल्ट ग्रेटेस्ट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज एंड मानसून कंट्रीज लाइक इंडिया। और जो क्लाइमेट का बदलाव हुआ उसका असर भी बहुत बड़े पैमाने पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पड़ा। मतलब जहाँ पे जो मानसून वाला एरिया, जहाँ पे बारिश होने वाली जगह है, वहां पे उसका असर देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में क्लास 7th में भी आपने पढ़ा था। ठीक है, ये एक ऐसे एरिया में रहते हैं, उस जोन के बीच में रहते हैं जहाँ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मिले होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर में क्या होता है, जितने भी जीव जंतु हैं वो आपस में किसी न किसी संबंध द्वारा या एक दूसरे पे डिपेंडेंट आधारित रहते हैं अपने जीवन के लिए। ठीक है, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, यही जो जीवन का सपोर्टिंग सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और बायोस्फीयर किसको कहते हैं, जहाँ हाइड्रोस्फीयर ये हो गया, फिर एटमॉस्फीयर हो गया, ये एक सर्किल हो गया, फिर ये लिथोस्फीयर हो गया, ये लिथोस्फीयर हो गया। ठीक है, तो इसको लेके यहाँ वाला जो एरिया है यही क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। मतलब ये तीनों एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का कुछ पोर्शन जिस जगह मिलता है तीनों का, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषताएं क्या है। तो इकोसिस्टम को कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, तो ये एक सिस्टम है, ए सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस बिटवीन देमसेल्फ एंड देयर एनवायरमेंट। ये एक क्या है, एक संबंध, एक जुड़ाव दिखाया गया है जो पॉपुलेशन है, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु या इंसान है उनके बीच और वहां के वातावरण के बीच के संबंध को ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ और जो एनवायरमेंट है, ये जो है वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट इन विच दे लीव आर थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम। और ये पॉपुलेशन जो है वो मेनली कहाँ, जो वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट है, ये जहाँ रहते हैं वह उसके ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। मतलब इकोसिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट, इन्हीं से मिलके ये इकोसिस्टम बनता है। देयर पॉपुलेशन इंक्लूड पीपुल एज वेल, और इस पॉपुलेशन में सिर्फ जीव जंतु, सिर्फ जंतु ही नहीं होंगे बल्कि इंसान भी इसमें होंगे। ठीक है, इनका सबसे बड़ी इनकी कुछ बड़ी विशेषताएं हैं जिनके बारे में यहाँ दिया है। तो देखिए, पहला क्या है, बाउंड्रीज, देयर बाउंड्रीज वेराई फ्रॉम दैट ऑफ अ पॉन्ड टू दैट ऑफ अ लाइक और होल, और ये लाइक नहीं, ये लेक होगा, और होल ऑफ अ सी और अ डेजर्ट। इनकी बाउंड्रीज में अंतर होता है, कुछ पॉन्ड तक ही सीमित रहते हैं, कुछ की बाउंड्री लेक तक सीमित रहती है, कुछ जो है समुद्र में तक ही सीमित रहते हैं, और कुछ डेजर्ट में। मतलब हर जगह का अपना एक हैबिटेट बना हुआ है। सेकंड है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट बाउंड्री था, सेकंड क्या है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। द लिविंग थिंग्स इन एन इको सिस्टम मे बी ऑर्गेनाइज इन टू स्पीसीज, कम्युनिटीज एंड पॉपुलेशन एसेट्रा। जो लिविंग थिंग्स हैं इको सिस्टम में, उनको कैरेक्टराइज किया गया है स्पीसीज में, कम्युनिटीज में और पॉपुलेशन में। ये जो हैं एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, रिजल्ट फ्रॉम द प्रे एंड द प्रीडेटर रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, और जिनको क्या कहते हैं, प्रे और प्रीडेटर रिलेशनशिप्स के कहते हुए चला जाता है। ठीक है, मतलब ये होता है
कि अगर एक कोई जंतु है उसके वो अपना काम कर रहा है, प्लस उसके ऊपर एक और जंतु तो उसके ऊपर डिपेंड है अपने जीवन के लिए, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप्स के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ये हुआ, मान लीजिए हम ही लोग अगर हैं और जीव जंतु के साथ हम रह रहे हैं, तो पौधे क्या हैं, पौधे जब ग्रो कर रहे हैं तो उनसे फल मिल रहा है, वो फल हम खा रहे हैं, तो वो हमारे खाने में यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तो हम उस पर डिपेंड हो रहे हैं ना, हमारे जी सपोर्ट सिस्टम में फूड भी बहुत आवश्यक है, और वो फूड हमको किससे मिल रहा है, प्लांट्स से ही तो मिल रहा है, तो हम टोटली प्लांट्स पे क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, मतलब उन पे डिपेंडेंस है, ठीक है। थर्ड है रिसोर्स वैल्यू। रिसोर्स वैल्यू क्या है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बहुत बहुमूल्य रिसोर्सेज हैं इकोसिस्टम में। प्लांट्स बिसाइड द इकोलॉजिकल वैल्यू प्रोवाइड अस, प्लांट्स की अपनी एक, देखिए अब वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन में सारे प्लांट्स आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ में सारे एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी क्वालिटी की बात करें, तो प्लांट की क्वालिटी क्या है, इसका तो अपना ही एक महत्व है, ये हमें लकड़ियां देती हैं, छांव देते हैं एनिमल्स को, साथ ही साथ सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब जो अच्छे क्रॉप्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए भी, ठीक। साथ ही साथ ये अंडरग्राउंड शॉर्ट एंड अंडरग्राउंड हेल्प इन अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑफ वाटर, इसके साथ साथ ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड अस मेनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, उसके साथ साथ ये कई जंगल से कई प्रोडक्ट्स हमको पेड़ों से मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स है, नट्स है, गम है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ से हमको क्या मिलता है, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स हैं, एज वेल एज ऑल एक्वेटिक लाइक फॉर्म्स प्रोवाइड अस, ये सारे हमें क्या देते हैं, कोई मिल्क देता है कोई जानवर, किसी से हमको मीट मिलता है, हाइड्स मिलते हैं जो चमड़ी होती है, फिर हनी है, और उसके साथ साथ जो फ्लावर्स की पॉलिनेशन होती है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। ये पॉलिनेशन वर्ड्स आपने साइंस में पढ़ा होगा, जैसे फर्टिलाइजेशन के लिए ये पॉलन ग्रेन, इसमें पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं, तो वो एनिमल्स के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। दे प्ले अ वाइटल रोल एज डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम, वो ये साथ साथ डिकम्पोजर की तरह भी इकोसिस्टम में काम करते हैं, मतलब अगर ये मर जाते हैं तो इनकी पूरी स्किन क्या हो जाती है, मिट्टी में ही क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, प्लांट ही सड़ जाते हैं तो उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो उससे क्या होती है, वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल और उपजाऊ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बैलेंस कैसे, संतुलन कैसे बनाया गया है, तो इन्वायरमेंटल चेंजेस इन एन इकोसिस्टम प्रोवाइड रीसाइलेंस एंड हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम, बट इट इज वाइटल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। जो प्राकृतिक चेंजेस हो रहे हैं, प्रकृति में चेंजेस हो रहे हैं, तो इकोसिस्टम उसको क्या कहता है, उनके बीच कोई ना कोई रिलेशन होता है, वो एक दूसरे में अंतर दिखाते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट इकोसिस्टम, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने को, ठीक है, पूरा बैलेंस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए वल्चर हैज द एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ, वल्चर की क्या खासियत होती है, वो मरे हुए जीवों को खाते हैं, और एक्ट एज अ स्केवेंजर टू क्लींस द इन्वायरमेंट, और ये एक स्केवेंजर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, साफ करते हैं। अदरवाइज इन्वायरमेंटल चेंजेस विल क्रिएट अनसर्टेनिटी एज टू द फ्यूचर ऑफ एन इकोसिस्टम, नहीं तो क्या होता, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से आगे फ्यूचर में इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस होता, ठीक है। तो ये आपका क्या था, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, जब डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स ग्रो होते हैं नेचुरली, तो इनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, मतलब जो नेचुरली नेचर में अपने आप ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। जो नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस पे अर्थ के, वो किस पे आधारित होता है, वहां के सनलाइट पे, सूरज की रोशनी पे, वहां की बारिश का अमाउंट कैसा है, ठीक है।
तो नेचुरल वेजिटेशन जो है मेनली क्लासिफाइड है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और श्रब्स में, ठीक है। जो प्लांट किंगडम होता है, मतलब जो प्लांट्स का ग्रुप है, उससे हमको टिम्बर मिलता है, जानवरों को रहने के लिए जगह मिलती है, ऑक्सीजन हमको सांस लेने के लिए मिलता है, फल मिलती है, सब्जी मिलता है, नट्स मिलते हैं, गम्स मिलते हैं, और भी कई चीजें हमको प्लांट से मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट जो है 30% लैंड सरफेस, 30% जो लैंड एरिया है उसको कवर अकेले करते हैं। और चाहे हम पास की बात करें या अभी की बात करें, फॉरेस्ट जो है अब क्या हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं फॉरेस्ट के पेड़ों को, ताकि वहां पे किसानी हो सके, खुदाई हो सके, इंडस्ट्रीज का निर्माण हो सके, लोग के रहने की जगह बन सके, रोड्स का निर्माण हो सके और रेलवे का निर्माण हो सके, ठीक है। जो वहां का टेम्परेचर होता है या रेनफॉल होता है वो चेंज होता रहता है बहुत बड़े पैमाने पे, बस जगह से जगह तक नहीं बल्कि एक ही जगह पे एक समय से दूसरे समय में भी उसमें अंतर देखने को मिलता है। अकॉर्डिंगली जो फॉरेस्ट का टाइप है वो भी हर जगह जगह पे आपको उसमें अंतर दिखेगा। कोई एरिया बहुत ठंडा होता है तो कोई एरिया बहुत सूखा होता है, ठीक है। तो जो बहुत ठंडे या सूखे होते हैं वहां पे कोई फॉरेस्ट नहीं होता है। वो रीजन जहाँ पे ट्रीज जो हैं एक दूसरे के पास बहुत पास पास ग्रो करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। और फॉरेस्ट मेनली टू टाइप्स के हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो हम अब देखेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है और डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, दे आर सो कॉल्ड बिकॉज ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव। इनको एवरग्रीन मतलब सदाबहार बोला जाता है। तो इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पत्तियां कभी झड़ती नहीं है किसी भी सीजन में, ठीक है। ये पूरे समय हरे भरे दिखते हैं। ये वहां के प्रेसिपिटेशन के अमाउंट पे बेस्ड होते हैं, मतलब वहां पे बारिश किस मात्रा में हो रही है इस पे वो पूरे बेस्ड होते हैं। और उनके बेसिस पे ही ये थ्री टाइप्स के होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन और कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन और कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा होता है, ये फॉरेस्ट जो होते हैं हॉट और वेट रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में मिलते हैं। देखिए ये सर्किल है तो ये इक्वेटोरियल रीजन होगा, ये पोलर रीजन होगा, ठीक है। ये अर्थ है, सॉरी सर्किल बोला मैंने, ये अर्थ है, ये इक्वेटोरियल रीजन होगा, ये कैसा होगा, पोलर रीजन होगा। तो ये मेनली ये इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेड़ बहुत पास पास ग्रो करते हैं। डेंस फॉरेस्ट होता है, घना फॉरेस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वाइन्स क्रीपर्स होते हैं, वो जो जमीन पे पौधे होते हैं फैलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा आपको देखने को क्लाइंबर्स और क्रीपर्स मिलते हैं, ठीक है। जो कॉमन ट्रीज यहाँ पे होती हैं उनको कहते हैं हार्डवुड, जिनकी बहुत कठोर स्टेम्स होते हैं, उसमें मेनली है महोगनी, इबोनी, रबर और सिंचोना, ठीक है। सिंचोना से एंटी मलेरियल ड्रग बनता है और क्विनाइन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, क्विनाइन होता है। तो ये किससे बनता है, सिंचोना ट्री से। और जो मेजर एरिया है वो कहाँ पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे अधिक कहाँ पे मिलता है, अमेजॉन बेसिन में और कॉन्गो बेसिन और मलेशिया में देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो था आपका वेजिटेशन के बारे में बात हुई। अब वाइल्ड लाइफ के बारे में बात की जाए कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर मिलते हैं, मतलब देखने को मिलते हैं। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। इसमें स्लॉट, तापीर, कैपीबारास, ये सब क्या है। फिर इसके साथ प्रीडेटर्स जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे कि जगुआर्स, एंट ईटर, मंकीज। और ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो घास भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे चिंपैंजीज, ओरंगुटांस, बिगन्स, हॉलर मंकीज, टाउकंस, लेमर्स और भी कई सारे। तो ये सारे एनिमल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो बर्ड्स होती हैं उनमें कौन कौन से, पैरेट्स, पैराकीट्स, ये हमको बर्ड्स देखने को मिलती हैं। इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई, एंट, बीटल, पिरानास, रेप्टाइल्स में फ्रॉग, काइमंस, बोआ,
कॉन्स्ट्रिक्शन एंड एनाकोंडा, ये सारे हमको जानवर जीव जंतु जो हैं यहाँ पे इस एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट? अभी बताया ना ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन और उसके बाद से कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, ये मेनली साउथ ईस्टर्न साइड के कॉन्टिनेंट्स में मिलता है। साउथ ईस्टर्न मतलब क्या हो गया, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये एरिया जो होगा ये साउथ ईस्टर्न एरिया कहलाएगा। ठीक है, इसमें मेनली यहाँ पे क्या है रेनफॉल यहाँ पे अच्छे अमाउंट में होता है। ठीक है, और टेम्परेचर वहां से थोड़ा कम होता है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है वहां से थोड़ा कम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेनली ट्रीज पाए जाते हैं मलबेरी वॉलनट है, पाइन है, ओक है, और ये मेनली किस एरिया में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो साउदर्न चाइना, ब्राजील, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और कुछ पार्ट यूएसए के भी इसमें होते हैं। यहाँ पे मेनली जो जानवर पाए जाते हैं, जो एनिमल्स पाए जाते हैं, मतलब जो वाइल्ड लाइफ होती है, अभी बताया था वाइल्ड लाइफ मतलब जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब इसमें आते हैं या बर्ड्स हैं। तो इसमें मेनली डियर, बियर्स, स्क्वेरल्स और कई ओमनिवोर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे रैकून्स और स्कंक्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड और लास्ट टाइप है एवरग्रीन फॉरेस्ट का, क्या है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये इसमें खासियत होती है कि इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं, सुई नुमा होती हैं। ठीक है, जिससे ये बचाव करती हैं, उसपे स्नो को इकट्ठा, वो स्नो उसपे इकट्ठा हो जाता है। जैसे टैगा इन रशियन मींस अंटस, टैगा का रशिया मतलब होता है अंटस, जिसको छुआ ना जा सके। सब आर्कटिक रीजन अकरिंग इन हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ऊंचाई पे एरियाज हैं, जो 60 डिग्री और 65 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर हैं, वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट वहां पे देखने को मिलते हैं। मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे कुछ आके 60-65 के बीच में यहाँ पे जो है जो एरिया होंगे वो वहां पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, कॉनिफर का लैटिन मीन्स क्या होता है, कोन बियरिंग, जो कोन नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, मतलब कुप्पी की तरह, और ये जो है अधिक बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ये देते हैं, जनरेट करते हैं, जो हमारे लाइफ के सपोर्ट सिस्टम होती है, और ये पूरे एंटायर प्लैनेट के लिए ये एक सपोर्ट सिस्टम होती है। ऐसी ट्रीज जो हमारे हाई एल्टीट्यूड मतलब माउंटेन्स पे पाई जाती हैं, जैसे हिमालयास पे, ठीक है, वो ट्रीज जो है ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में रिलीज करती हैं। फ्लावर्स हैं, मॉसेस हैं, लाइकेन, मशरूम्स कवर लार्ज पार्ट ऑफ टाइगर, ये सब जो है टाइगर मतलब कॉनिफेरस फॉरेस्ट के मैक्सिमम एरिया में आपको मॉसेस, लाइकेन, मशरूम, ये सारे पौधे आपको देखने को मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ में क्या आपको देखने को मिलेगा, जो एनिमल्स हैं जैसे सिल्वर फॉक्स, वीसेल, रैकून्स, मिंक, लिंक्सेस और पोलर बियर, ये कॉमन एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। हाइबरनेशन इज कॉमन एमंग एनिमल एज अ मीन ऑफ एडॉप्टेशन टू सेव फूड, हाइबरनेशन यहाँ के जानवरों में देखने को मिलता है, जो क्या करते हैं भोजन को क्या करते हैं सेव कर लेते हैं, मतलब वो इतना ले लेते हैं और एक सीजन जो है वो कहीं अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो सीजनल अपना बाहर आते हैं। अबाउट 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, मोस्ट ऑफ होम माइग्रेट इन विंटर, आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, करीबन 300 स्पीसीज हैं बर्ड्स की जो माइग्रेट होती हैं ठंडी, मतलब ठंडी में वो अपनी जगह को छोड़कर कहीं और चली जाती हैं, वो सारी हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हाइबरनेशन क्या बताया था कि इस अभी बताया ना कि अपने फूड्स को सेव करके वो कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो विंटर में वो क्या करते हैं अपने भोजन को सेव कर लेते हैं और विंटर में पूरे टाइम अंडरग्राउंड रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं, एक तरीके से वो गहरी निद्रा में चले जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अब ये जो फॉरेस्ट का एक पार्ट बच गया है डेसिड्यूस फॉरेस्ट,
फिर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे और इसको आप एक बार रीड कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको समझ में चीजें आए। देखिए एक साथ पूरा मैं पढ़ा दूंगी तो भी आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और सही से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ओवर करेंगे। थैंक यू।